शिक्षा मित्रों ने मनाया 25 जुलाई को काला दिवस। विक्रम सिंह ने दिया चिरपरिचित अंदाज में क्रांतिकारी ये भाषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधशक न्यूज। अंधशक न्यूज आपके संघर्ष का सच्चा साथ। नहीं निकलेगा बार बार निर्वाचन का, एक बड़ा खूनी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अब तो भूखे पेटों का बागी होना मजबूरी है। जागो कलम पुरोधा, जागो मौसम का मजबूर लिखो, और चंबल के बागी बंदूकों का अब नया कानून लिखो, और हर मजहब के लंबे लंबे खून सने नाखून लिखो, गोली गोली धरती धरती खून सने नाखून लिखो, खून सने नाखून लिखो। आज का दिन 25 जुलाई 2017 का दिन इस विश्व के इतिहास में एक काला दिन के रूप में मनाया जाने वाला दिन है, जब इस प्रदेश में और इस देश के जमीन के पक्ष में फैसला आता तो कभी मोदी जी ढोल नगाड़े लेकर आते, कभी योगी जी ढोल नगाड़े लेकर आते और कहते देखिए ये हमारी सरकार है, हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हम सम्मान करते हैं। अरे जब 25 जुलाई 2017 को आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपने उस आदेश को उसी दिन लागू कर दिया, तो उसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन दो। उसी हाई कोर्ट डबल बेंच सिंगल बेंच का आदेश है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 17,000 दो, और नई शिक्षा नीति लेकर आए थे, नई शिक्षा नीति लेकर आए थे 29 जुलाई 2020 को। विद्यालय में नई शिक्षा नीति के उपलक्ष में साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहे हैं। अरे नई शिक्षा नीति में तो यह भी लिखा है कि हम संविधान की व्यवस्था को समाप्त करेंगे। क्या आपने उस व्यवस्था को समाप्त किया? नई शिक्षा नीति में तो यह भी लिखा है कि हम अनुदेशक शिक्षा मित्रों को नियमित करेंगे। क्या आप उस व्यवस्था को लागू किया? नहीं किया। जो आपके पक्ष में होगा, जो आपको सूट करेगा उसको आप लागू कर दोगे, और जो शिक्षा मित्र अनुदेशकों के पक्ष में होगा उसको आप लागू नहीं करोगे। तो साथी, देखा आपने किस तरीके से विक्रम सिंह ने शिक्षा मित्रों को संबोधित किया और दुख जताया लगातार अंधशक शिक्षा मित्रों के साथ शोषण हो रहा है, उन्हें अल्प मानदेय में कार्य करने पर मजबूर किया जा रहा है। अंधशक न्यूज़ आपकी इस आवाज़ को नियमितीकरण तक उठाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।